मैदा, सूजी, खोआ, चीनी, तेल, घी, इलायची, किशमिश, बादाम काजू, नारियल का बुरादा। तो सबसे पहले कढ़ाई गर्म हो गई, खोए को भूनूंगी। खोए के जब हम खोआ भूनते हैं तो कितना अच्छा सुगंध निकलता है खोए का, बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर घर का खोआ बना हुआ हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक बर्तन में निकाल लेंगे खोए को। अब एक चम्मच घी डालेंगे। एक कटोरी सूजी जो हम लिए हैं उसको भून लेंगे। मीडियम आंच पे ही भूनेंगे। अब हमारे सूजी में कलर आने लगा है। सूजी निकालेंगे एक प्लेट में। जो खोया हम भूने हैं उसको सूजी में ऐड करेंगे। और ड्राई फ्रूट जो लिए हैं उसको भी ऐड करेंगे। इलायची पीस के मैं नहीं डाली हूँ, ऐसे ही डाल दी हूँ। नारियल का बुरादा डालूंगी 2 चम्मच और पीसी हुई चीनी 1 कटोरी ऐड करूंगी। अच्छे से मिक्स कर लूंगी सारी सामग्री को। मिक्स हो गया है। तो फ्रेंड्स, चंद्रकला स्टफिंग जो मैं तैयार की हूँ उसको एक तरफ एक साइड पे रख दूंगी। अब मैदे में घी डालूंगी 2 चम्मच। दो से 3 चम्मच डाल सकते हैं, मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ। अच्छे से मिला लूंगी। हल्का गर्म पानी ली हूँ, तो मैं चंद्रकला का डो तैयार करूंगी। हमारा डो तैयार हो गया है। अब चाशनी तैयार करूंगी। 1 कटोरी चीनी पे 1/2 कटोरी पानी ऐड करूंगी। चौके पे घी लगाऊंगी। अच्छे से लगा लूंगी चारों तरफ। बेलन में भी लगा लूंगी। जो मैं चंद्रकला का डो ली हूँ, आटे को अच्छे से मसल लूंगी। छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ पूरी जैसा बेलूंगी। एक बड़ा बनाऊंगी, पहले बड़ा बेल लूंगी।
इसको एक साइड में रख दूंगी। अब छोटा बनाऊंगी, छोटा ही बेलूंगी। जो बड़ा ली हूँ उसको रखूंगी बगल में और छोटा भी साइड में रख दूंगी। अब इसमें जो स्टफिंग तैयार की हूँ वो डालूंगी, 1 चम्मच। और मैदा और जो पानी का घोल तैयार की हूँ उसको चारों तरफ से लगा दूंगी अच्छे से। और जो छोटा वाला मैं पूरी जैसा बनाई हूँ उसके ऊपर लगा दूंगी, अच्छे से दबा दूंगी चारों तरफ से। अब उसको मोड़ूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही मोड़ना है। ऐसे ही मोड़ना है। देखिए ऐसे ही तैयार करना है। अब कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया, चंद्रकला उसमें डालेंगे। तलेंगे चंद्रकला को। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा फूल रहा है चंद्रकला। सुनहरा कलर आने तक इसको तलेंगे। कितना अच्छा लग रहा है फूला फूला। तो प्लेट में निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है कि प्लेट में निकाली हूँ। जो सीरा तैयार की हूँ गाढ़ा ही सीरा है, पतला नहीं करना है। उसको अच्छे से सीरे में डुबो दूंगी, निकालूंगी। अब सारे चंद्रकला को निकाल लूंगी। फ्रेंड्स 1 से 2 मिनट तक हम सीरे में छोड़ दिए थे, अभी प्लेट में लगा रख रही हूँ। सीरा ऊपर से डाल दूंगी और तो देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ऊपर मैं गार्निश करूंगी नारियल के बुरादे से। तो फ्रेंड्स आज ही बनाए चंद्रकला।